तो आ गए तुम लोग। क्या तुम लोगों ने बरूडो का नाम सुना है? और क्या तुम लोगों को इस नाम से नफरत है? क्या तुमने इसका एनिमे भी नहीं देखा और बस एनिमे के फिलर्स देखकर कूल लगने के लिए बरूडो को बुरा भरा बोलते हो? तो आज इस वीडियो में तुम लोगों को ऐसे 5 रीज़न बताने वाला हूँ कि बरूडो एकदम बेकार क्यों नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे बरूडो के बाल, सारा का चश्मा पहनना और छोड़ो। और हमारी वीडियो के आज के स्पॉन्सर हैं हम लोग खुद। जैसे कि तुम लोगों को पता होगा, हम इस चैनल पे एनिमे के अलावा और कुछ वीडियोस भी बनाते रहते हैं, जैसे कि वेब सीरीज और मूवी से रिलेटेड भी। तो लेकिन हम इस चैनल को मेन एनिमे फोकस ही करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने एक सेकंड चैनल भी खोला है जो मूवीज़, वेब सीरीज़ और बहुत से कमाल के कंटेंट से बढ़ने वाला है। जो आप अगर DC या मार्वल फैन हो तो भी आपको उस चैनल पर मिलेगा, और साउथ मूवीज़ फैन हो तो डेफिनेटली मिलेगा, और हॉलीवुड मूवीज़ का भी पूरा कलेक्शन होने वाला है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो क्योंकि नई वीडियो बहुत जल्द उस चैनल पे आने वाली है। और अगर एनिमे तुम लोगों के लिए भगवान नहीं है तो उसके अलावा और चीजें भी देखते हो तो उस डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो प्लीज सर। रीजन नंबर 1, नारुतो इज अ होकागे। हमने नारुतो जब छोटा था तब से अब तक उसकी सारी जर्नी देखी है। हमने उसके लाइफ के काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। हमने पूरा का पूरा नारुतो पता है, ड्यू टू फ्लैशबैक ऑब्वियसली। फक यू स्टूडियो पीरियड। नारुतो का सपना था कि वो होकागे बने, और वो सपना सच बन रहा है बरूटो में। हमने बरूटो में नारुतो के एक्शन देखने मिलेंगे जहाँ वो एक एडल्ट है, होकागे है, और सबसे बड़ी बात पहले से काफ़ी समझदार और मैच्योर है, क्योंकि पहले की सीरीज में वो कैसा भी हो पर रैकलेस था। रीजन नंबर 2, एनिमे इज रुइंड। तुम में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बरूटो की मांगा अब तक नहीं पढ़ी है। तुमने एक तो एनिमे देखा होगा या तो बस इंटरनेट के ग्रेज में बरूटो बेकार है ये देखा होगा। तो मैं मानता हूँ कुछ बुराइयाँ हैं बरूटो में, आई नो डेट्स नॉट अ मास्टरपीस, पर अगर तुम लोग उसे एनिमे से जज कर रहे हो ना, तो क्या तुम लोगों को पता है बरूडो के अंदर 55% से ज़्यादा फिलर्स हैं? स्टूडियो पीरियड, जो नारुतो, ब्लीच, ब्लैक क्लोवर ऐसे एनिमे का स्टूडियो है, वो पैसों का कुछ ज़्यादा भूखा है एक्चुअली। उसने नारुतो और ब्लीच में फिलर्स भर दिए, टोक्यो घूल के एनिमे की बर्बादी कर दी। लेकिन उसका इतने से मन का खत्म होता है, अब तो वो बरूडो को भी ले रहा है। यू नो व्हाट, बरूडो के अभी 160 से 170 एपिसोड हो गए होंगे, पर मांगा का उसने बस 25 से 30 चैप्टर तक ही इस्तेमाल किया है। ड्रैगन बॉल सुपर में भी 40 के करीब चैप्टर थे, 131 एपिसोड थे, पर एनिमे में फिलर काउंट काफ़ी कम था क्योंकि एनिमे कैनन वाले कुछ एपिक मोमेंट्स उसमें थे। बरूडो ड्रैगन बॉल सुपर की तरह ही मंथली आता है। स्टूडियो साल में 24 एपिसोड वाला एक सीजन बना सकता था, लेकिन सीरीज में इतने कम चैप्टर होने के बाद भी ये लोग लगातार फिलर बनाए जा रहे हैं। Why, dada, why? This is business. This is my swag. I know, but I did business. Shut up. Shut up. बट मांगा में अभी भी अपना वर्ल्ड बिल्ड कर रहा है और अपने स्टार्टिंग में है, बाकी एनिमेज जैसे MHO और ब्लैक क्लोवर की तरह, और इसमें भी काफ़ी एपिक और ग्रेट मोमेंट्स हैं, तो आपको मांगा जरूर ट्राई करनी चाहिए। रीजन नंबर 3, बरूटो शिपुडन। अगर तुम नारुतो और नारुतो शिपुडन देखोगे तो दोनों में तुम्हें थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर दिखेगा। जैसे कि नारुतो में हर चीज़ पे पहले बिल्डअप हो रहा था, नारुतो और उसके दोस्त बच्चे थे तो शुरू में काफ़ी बच्चों वाली हरकतें होती थी, टेंशन थोड़ा कम था, लेकिन शिपुडन में कैरेक्टर्स बड़े हो गए थे और सीरीज थोड़ी मैच्योर भी बन गई थी। कुछ पुरानी चीज़ें भी रिवील होती गई और हमें पता चला कि सब नारुतो के पैदा होने से पहले शुरू हो गया था। तो अब अगर मैं बोलूं कि अभी बरूटो है और आगे बरूटो शिपुडन जैसा कुछ आए तो कितना बवाल होगा। काकाशी ने खुद बोला था, पुरानी जनरेशन नई जनरेशन को हमेशा सरपास कर देती है, ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। तो बरूटो में भी एक न्यू जनरेशन जो आगे आएगी, तो बरूटो की न्यू जनरेशन आगे क्या क्या करेगी हमें इसका कुछ आइडिया नहीं है। बरूटो अभी उसकी स्टार्टिंग स्टेज में है और वो शोनेन है, शोनेन में वो भी बैटल शोनेन, जल्दी खत्म नहीं होते, उनको डेवलप होने में काफी टाइम लगता है। सोचो तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम बस 14 साल के और कोई तुमसे जाके बोले कि भाई जा जॉब, तुम उससे यही बोलोगे ना कि कुछ वक्त दो, अच्छा काम ढूंढना है और तब तक छोटे मोटे काम करोगे। ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि एक दिन तुम्हारे घर के सामने कार खड़ी हो जाए। रीजन नंबर 4, टू सपोर्ट द क्रिएटर। बरूटो भी उसकी स्टार्टिंग स्टेज में, तो आपको उसको कैचअप करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब आप कैचअप कर लोगे और ऑनगोइंग पढ़ना शुरू करोगे तो आप ऑनगोइंग चैप्टर्स को शोनेन जंप में फ्री में पढ़ सकते हो। शोनेन जंप ऐप में या विज मीडिया की साइट पे आप बरूटो के स्टार्टिंग के 3 और लेटेस्ट 3 चैप्टर भी फ्री में पढ़ सकते हो, और ऑफिशियल मांगा को सपोर्ट कर सकते हो, जैसे DBS की मांगा के साथ होता है, और मांगा जितनी चलेगी उतना सपोर्ट आएगा। इस सीरीज को एंड तक आप इसे लीगली सपोर्ट कर सकते हो। रीजन नंबर 5, नारुतो मिस्ट्रीज। नारुतो जब एंड हो रहा था तब उसमें काफी सारी मिस्ट्रीज सॉल्व हो रही थी, पुराने कैरेक्टर्स के राज, उनके फैक्ट्स और भी बहुत कुछ, लेकिन कुछ मिस्ट्रीज बाकी रह गई जो अभी बरूटो में सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि ओतोत्सुकी क्लैन और उसके पावर्स। सोचा कि कागुया को हराने के लिए पूरी टीम 7 की जरूरत पड़ी थी। अब यहाँ बहुत से विलन्स होंगे जिनकी पावर्स पुराने विलन से ज्यादा होगी, न्यू पावर्स बनेंगी, कुछ बैक स्टोरीज और इवेंट्स होंगे जिसमें सोचो कैरेक्टर्स को कितना खुद को पुश करना पड़ेगा। इसमें सभी कैरेक्टर्स को अपना 101% देना होगा, तब कितनी उनकी फटेगी, सीरीज में कितना थ्रिल बनेगा, और एक्साइटमेंट जब फटेगी बूम, कुछ भी हो लेकिन मजा बहुत आएगा। तो अगर आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हो तो वीडियो को पहले तो लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं पढ़ूंगा, और नहीं करते तो नहीं पढ़ूंगा।
पहले ही पढ़ ली हो तो अपना ओपिनियन कमेंट करो और चैनल की बाकी वीडियोस को भी चेक करो, और पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हमारे सोशल हैंडल जैसे इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, वहाँ हमें फॉलो करो। गुड बाय।